ठीक, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मैं मोटा सा एक फ्रेम कर दूंगा, पढ़नी खुद है बुक, क्योंकि हिस्ट्री वाली बुक है, थोड़ा मज़ा देगी आपको पढ़ते समय, है ना। सवाल जो कि आपका शॉर्ट नोट्स का आएगा, शॉर्ट नोट का आएगा वहाँ है, इसकी जगह हम एक और दो बुक प्रेफर कर लेंगे, चैप्टर्स पढ़ लेंगे जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं कुछ उसका, क्योंकि ये स्कोर वहीं से होगा। उसका रीज़न ये है ना, कारण ये है स्कोर आने का, कि जो भाई प्रोफेसर लेवल को आदमी अभी कॉपी जांच रहा है वो इन सारी चीज़ों को पढ़ा होता है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, वो मिनिमम वो नंबर ऑफ़ बुक्स हैं, नंबर ऑफ़ रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं, वो लोग पढ़ते रहते हैं, और पेपर टू में उन चीज़ों की ज़रूरत है, पेपर टू में उन चीज़ों की ज़रूरत है। और रुचियाँ भी ज़्यादातर जो प्रोफेसर्स वगैरह होंगी उनकी कहाँ होगी, जैसे आपकी कहाँ है रुचियाँ, है ना। तो जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब थोड़ा बहुत जानते हो तो भले आपको मज़ा आए, ये वॉर, पहला वॉर, दूसरा वॉर, ऐसा वैसा, ये वो, दुनिया भर कहानी, लेकिन आप उसको एक लिमिट से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप की रुचि नहीं है उसमें उतनी ज़्यादा। लेकिन जब इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ते हो ना, जैसे मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो या इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो या कल्चर पढ़ रहे हो, तो जैसे आप थोड़ा सा जानोगे तो आपका फिर मन करेगा कि मैं और जानूं। तो आपका रिसर्च उसी में होता है, ये उनके साथ भी होता है, ठीक। हम लोगों ने ये पढ़ा है ना, कुछ हमने चीज़ें देख ली थी एआर देसाई में, ऐतिहासिक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ये मार्क्स की अवधारणा है। इसी बेस पे इन्होंने मॉडर्न इंडिया को डिराइव किया है, इसके बेस पे डिराइव किया है। एआर देसाई जो है, एआर देसाई मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के हैं, और जीएस घोरिये के अंडर में इन्होंने, है ना, पीएचडी की थी। तो जिसके अंडर में पीएचडी करेगा, लिखने का तरीका, बाकी चीज़ें वैसे आपको मिलेंगी। जैसे हम लोग जाति को पढ़ रहे थे और समझ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे ना घोरिये वाले, उसमें तो उनका जो लिखने का तरीका और चीज़ें थी वो आपको इनमें भी दिखेगा, इनमें भी वो चीज़ें दिखेंगी आपको, ठीक। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मेटलिज्म, ये है क्या चीज़? ये बस इतना है कि इकोनॉमी जो है ना, ये डिसाइडिंग है, ये निर्धारक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इकोनॉमिक रिलेशन, आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था निर्धारक है, वो बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा, ये बदलेगा तभी पॉलिटी बदलेगी, ये बदलेगा तभी रिलीजन बदलेगा, ये बदलेगा सब कुछ। मतलब इकॉनमी बदलने पे हर चीज़ की मीनिंग बदल जाती है, और मीनिंग हमको कौन दे रहा था? कल्चर दे रहा था। इन सब चीज़ों को मिला के हमने जो नाम रखा था वो क्या है? कल्चर, संस्कृति, ठीक है। और यहाँ पे कौन है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कौन है, है ना। हम ये देखते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, तो आप मोड ऑफ प्रोडक्शन देख सकते हो कि कैसे कैसे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, पूंजीवादी उत्पादन की पद्धति, जैसे खेती बैल से होती थी, हाथ से कुदाल लेके होते हैं, तो आप इसको बोलोगे सामंती उत्पादन की प्रणाली, है ना। मोड ऑफ प्रोडक्शन कौन सा? फ्यूडल बोलोगे आप इसको। लेकिन अब उसमें ट्रैक्टर है, पंप है, बिजली है, सिंचाई है, तो जब आप इस तरीके की बात हो, बीज अच्छे हैं, हाई यील्डिंग बीज हैं, आप उसमें बढ़िया फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, पेस्टिसाइड यूज़ करते हो, कीटनाशक करते हो, तो इसको आप क्या बोलोगे? तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का स्वरूप, ये पूंजीवादी हो गया, ठीक है ना। दूसरा, इसके अंतर्गत व्यवस्था के अंदर पूंजीवादी स्वरूप की बात करेंगे तो निजी संपत्ति की बात करेंगे, निजी संपत्ति की बात करेंगे। तीसरी बात जब इसके अंतर्गत हम करेंगे तब हम ये देखते हैं कि धन का संचयन, पूंजी का संकेंद्रण कुछ लोगों के पास
ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रियाएं अपना काम नहीं करती हैं, नहीं ये भी करती हैं, लेकिन अगर आप सारे प्रोसेस को देखोगे तो सेंट्रल में कौन है, सेंटर में कौन है, इकॉनमी, इसके बाद अदर फैक्टर्स हैं। तो ये इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री इट इज, है ना, ये आर्थिक व्याख्या है। ठीक, ये समझ में आ गया हमको। अब इसके अंतर्गत इन्होंने दिखाने की क्या कोशिश की है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं था, भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं था, पहली बात। तो मेकिंग ऑफ इंडिया, मेकिंग ऑफ इंडिया, भारत का निर्माण, ये दिखाया किस रूप में, एज अ नेशन, एज अ नेशन स्टेट, एक राष्ट्र राज्य के रूप में, ये दिखाने की कोशिश की। इसको दिखाने के बाद इनकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं जिन्होंने पाया है, वो क्या पाया है कि जो सोशलिस्ट है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो समाजवादी उत्पादन की प्रणाली है जिसमें राज्य नियंत्रक होता है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, निजी संपत्ति नहीं होती, सबके हितों पे ध्यान रखा जाता है, सामूहिकता पे बल देती हैं जो चीज़ें, ये प्रकार द सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना, एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, सेंट्रल कंट्रोल ऑफ स्टेट, इसका करेक्टरिस्टिक है, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता एब्सेंट होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो किसी वो एक के पास पैसा नहीं होगा, इनइक्वालिटी है, वो नहीं ही होगी, बहुत रिड्यूस होगी, ठीक, इस असमानता बहुत कम होगी। तो समाजवादी प्रकार है, उसको अपनाने पे बल देते हैं। इनका कहना है कि यही वो मॉडल है जो सामाजिक उत्पादन की प्रणाली है, यही भारत के लिए बेहतर है। लेकिन भारत ने जिस चीज़ को अपनाया वो थी मिक्स्ड, वो थी मिश्रित। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनका कहना है कि कैपिटलिस्ट या पूंजीवाद की ओर, पूंजीवाद की ओर, कैपिटलिज्म की ओर ये झुकी हुई है ये व्यवस्था। तो उस ओर झुकी होने से क्या होता है, ये पूंजीपतियों का, बुर्जीस का, कैपिटलिस्ट का, पूंजीपतियों का, बुर्जुआ का साथ देती है। तो और भारत की जो आज़ादी भी मिली, देसाई का कहना है, वो पूंजीपतियों, उद्योगपतियों है ना, वो चाहे भारत के हों और चाहे वो कहाँ के हों, ब्रिटेन के हों, दूसरे मुल्कों के हों, उनके और राजनीतिज्ञों के बीच में आपसी बार्गनिंग, आपसी समझौते के माध्यम से वो चीज़ हमको मिली है। इसलिए हमेशा उद्योगपतियों के हित को में ध्यान में रखा जाता है। तो अब ये बताने की कोशिश करेंगे कि इकॉनमी जो है वो क्या क्या चेंज उसके कारण भारत में आए हैं, अर्थव्यवस्था में बदलाव के बाद भारत में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो किस तरीके से इसको दिखाए गए, तो जो बदलाव थे उसके क्या क्या इम्पैक्ट, क्या क्या प्रभाव पड़े, है ना, जो चेंज हुए हैं उसका क्या क्या इम्पैक्ट रहा है, कहाँ, इंडिया में, उस टाइम का जो इंडिया था, ठीक ना, समझ में आ रहा है। तो वो चेंजेस क्या हैं, वो बदलाव क्या हैं, इन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था में क्लास इमर्ज करेंगी, वर्ग, वर्ग का बनना, वर्ग किसकी खासियत है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की है, पूंजीवादी समाज की विशेषता है वर्ग, इसी में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग होते हैं। जो कम्युनिज्म होता है उसमें क्लासलेस सोसाइटी है, उसमें वर्ग नहीं होता है, सभी बराबर होते हैं, ठीक। तो ये फॉर्मेशन ऑफ क्लास, फॉर्मेशन ऑफ क्लास, ये इनका है ना सोचने का सेंट्रल पॉइंट है, तो ना सेंट्रल पॉइंट ऑफ थिंकिंग ऑफ ए आर देसाई इज फॉर्मेशन ऑफ क्लास ड्यू टू द इकोनॉमिक चेंज इन सोसाइटी, ड्यू टू द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, है ना, देयर विल बी अ
फॉर्मेशन ऑफ क्लास। ठीक, तो ये चीज़ होती गई होती गई होती गई होती गई, तो कौन कौन से वर्ग बनते गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऐसे इसके साथ पॉलिटी नहीं काम कर रही, इसके साथ राजनीतिक व्यवस्था भी काम कर रही है, गांधी भी काम करेंगे, भगत सिंह भी करेंगे, है ना, और जो दल हैं वो सब भी अपना अपना काम करेंगे। लेकिन मुख्य आधार क्या है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी चल रही है, वो अर्थव्यवस्था है, वो इकॉनमी है। ठीक, वर्ग तभी बनते हैं जब हित जुड़ते हैं, ये हमने समझा है ना। वर्ग तभी है जब वर्ग हित है, अगर हित ही नहीं है तो हम आपस में जुड़ेंगे कैसे। तो हमने ये समझा था कि जो पहले की व्यवस्था थी उसमें जो गांव थे बड़े आइसोलेटेड से थे, है ना, धीरे धीरे अंग्रेजों के आने के समय बहुत सारा बदलाव हुआ। और एक तर्क है, एक तर्क ये है कि जो सामंती व्यवस्था थी भारत में, है ना, जो सामंती व्यवस्था थी भारत में, या जो मुगल जब टूटते हैं उसके बाद की जो कंडीशन है दुनिया में, जैसे औद्योगिक क्रांति कब हो रही है, 1760 में, है ना, जो 60s का पीरियड है उसी में है। ठीक, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब है, 1789 में, ये हमको पता है। फ्रांस की क्रांति कब है, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति कब है, ये हमको अंदाज़ा है। तो भारत में भी वो दौर 1760-70 का जो दौर है, 1780 का दौर है, 1790 का दौर है, क्या उसमें ये ताकत थी कि बिना अंग्रेज के आए वो एक पूंजीवादी समाज को पैदा कर पाता। क्या भारत की अर्थव्यवस्था एक हो पाती, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। देसाई का कहना है कि नहीं, देसाई का कहना है कि ऐसा नहीं था। ठीक, और उन्होंने इसका श्रेय दिया है अंग्रेजों के आगमन का, अंग्रेजों के आगमन का। हम इसे बाद में डिबेट करेंगे कि अंग्रेज ना आते तो भारत का क्या होता, हम इस पे बाद में बात करेंगे कि नहीं भाई। भारत में भी तो सामंत टूट गया था, भारत में भी केंद्रीय सत्ता उखड़ गई थी, और क्या यूरोप में जो उखड़ी थी केंद्रीय सत्ताएं वो ऐसे आराम से उखड़ गई थी, वो उखड़ी तो वहां हालत नहीं गंभीर हुई, वहां पे भी तो किसान दलित्र हो गया था, किसान मजदूर बनने के लिए तैयार था, और शहर बचे रह गए थे, तो शहरों को मजदूर चाहिए था क्योंकि वहां उद्योग बन रहे थे, और मजदूर उजड़े किसान के रूप में, एक मरा पिटा किसान यूरोप में वो बाजार में चला आता है कि मुझको काम दे दो, तो काम दे दो तो काम देने वाला वहां रहता है। तो ये एक बड़ी बात है। अब ये वाली बात AR देसाई ने नहीं कही है, अभी मैं जो बताने जा रहा हूं आपको थोड़ा सा, ये वाली बात देसाई ने नहीं कही है। जो 1800 है ना, 1700-1800 का दौर है उसको हम डार्क एज कहते हैं, उस पर डिबेट भी है, बहुत सारी चीज है। तो वो जो दौर है आपका 1700 से 1800 का, है ना, वो कैसे कमज़ोर हो रहा था, औरंगजेब के समय ही कमज़ोर होता है, 17 में मर जाते हैं, दो उन 1720 आते आते जो है वो दुनिया जो है वो 1707 में बने, 17 में, 7 में ही ना, चलो सही, मतलब 13 साल बाद, 13 का कितना महत्व है देख लो बेटा, है ना, 13 साल बाद 13वीं हो गई थी अर्थव्यवस्था की, हाँ ऐसा है ऐसा कि नहीं है, क्लास में है ना, यही सब पढ़ना मजा देता है, हाँ यही बकवास सुनने में मजा आती है, जहां कुछ काम की चीज होने लगी तो कि नहीं, मनसब थे मनसबदार थे,
मनसबदार प्रथा थी मुगलों की, जो मनसब था उनको जागीर दे देते थे, उनसे कहते थे पैसा ले लो अपनी तनख्वाह, बदले में हमारी सेना भी रख लो, वो भी पालो, जो ज़रूरत होगी तो लेंगे। हाँ, तो जो जागीरदार, जो मनसबदार था वो जागीरदार भी हो गया था, नहीं ऐसा ही था। अब उसके बाद जागीरें बढ़ती रहती थीं ओहदों के हिसाब से, जैसा जैसा जिसका मनसब, ओहदा मतलब मनसब माने, वैसी वैसी जागीरें, तो ओहदे बढ़ते रहते थे। अब औरंगजेब जो है थोड़ा सा महत्वाकांक्षी आदमी था, तो उसने कहा मैं भारत को जीत लेता हूँ, उत्तर तो पहले ही पूर्वजों ने जीता था, दक्षिण निपटा देता हूँ, ख़ानदान की इज्जत है, नाम है, फैला देता हूँ। फैलाने के चक्कर में पड़ गया बेचारा, उसी में सब गड़बड़ हो गया, दक्षिण अक्षिण की विजय उजय निकल गया, रौंदा भी उसने, ऐसा कुछ नहीं है सोच लो, ये सब ना सोच लेगी, गया था तो ऐसे लौट आया था, जिधर से गुजरा उधर उसने बताया कि मैं गुजर रहा हूँ, लेकिन गुजरने के साथ बहुत कुछ और गुजर गया, मनसबदारों की जागीरें गुजर गई। खालसा तीन तरह की ज़मीनें हुआ करती थी जागीरों में, एक है ना, एक जो मनसब जागीरें थी जो इनको मिलता था, एक खालसा था, एक साथ से कुछ नाम था, वो धार्मिक कामों के लिए देते थे। तो वो खालसा वो था जिनसे केंद्र में मिलता था, तो ये लूट लाट के बाद में क्या हुआ, जब वहाँ पैसे कमी होने लगी तो इधर दबाव बढ़ने लगा कि सारी ज़मीन जो जागीरों के लिए बटने वाली थी मंसूबों पे, वो सब जो है खालसा में कन्वर्ट कर दी गई, तो उनका पैसा सीधे पूरा पूरा जाने लगा। इसके साथ जागीरदारों पे दबाव बढ़ने लगा कि पैसा ले आओ और ज़रूरत है। अब जागीरदार कहाँ से लाएंगे, जागीर से लाएंगे, जागीरदार किसानों को पीटने लगे, किसान और असंतुष्ट होने लगे, उनके पास कुछ बचा ही नहीं, हो ना हो लूट लिया जाता था, चूस लिया जाता था, है ना, हालत गंभीर हो रही थी। जब यही जो जागीरदार थे, जो मजबूत थे, जो बड़े मनसबदार थे, अलग अलग जगहों पे थे, जब समझ गए कि वो, जब जनता विद्रोह करने लगती है, जब जनता अपोज करने लगती है, जब जनता उतर आती है डंडा और उतार के लड़ने के लिए, तो समझ गए कि इनको नेता चाहिए। खाली भय से नहीं चलता शासन, एक चीज़ याद है, शक्ति के अनुप्रयोग में वेवर को हमने पढ़ा है, उसमें है कि शक्ति चलाने वाला और शक्ति मानने वाला दोनों होने चाहिए। वो मानने से इनकार कर रहे थे, कहे मार ही डालो कुछ है ही नहीं, जाएगा कहाँ, है ना। नए लोगों को मौके की तलाश होती है। अब अगर पेपर वन जिन्होंने पढ़ा होगा, वो परेटो वरेटो मोस्का और मिल जो मैं सर्कुलेटर सर्कुलेशन ऑफ एलिट लगा दें, अब जब शेर कमज़ोर होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, तो लोमड़ी मौके में होती है। उसने लोगों को भड़का लिया, उसने मौका देख लिया, ताकत देख ली, पहले वो लुटेरा बना, सत्ताएं इकट्ठा की, पैसा इकट्ठा किया और फिर जीत गया। उस दौर में जो लोग आए सबसे मजबूत, वो मराठे थे, है ना, वो मराठा पैदा हो जाता है। सिंधिया इधर हैं, उधर होलकर है, केरल है, कर्नाटक है, और तो और लास्ट आते आते इधर बंगाल बिहार उड़ीसा भी अपना मौका देख के किनारे हो जाते हैं, और औध अवध भी मौका पाया अलग हो गया, औरंगजेब निपट ही चुके थे, ये सब हो चुके थे। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, एक ये प्रक्रिया भारत में चल रही है, ये प्रक्रिया भारत में चल रही है। दूसरा, भारत में व्यापार करने के लिए कुछ लोग आए हैं, वो पूरी दुनिया में निकले हुए हैं। अभी वो शुरू में माल खाली बेचा करते थे, अब वो सब जो है आपस में सामान बाद में भेजते हैं, पहले तलवार चलाते हैं। हाँ, ये दुनिया में आए थे एक दूसरे का ही, आपस में पहले लड़ाई हो रही थी, मैं पहले पहुंचा कि तुम, तो ये बहुत ऐसा नहीं शरीफ नहीं थे, ये भी यही थे, ये फ्रांसीसी थे, डच थे, अंग्रेज थे, ये उधर बवाल फांदे पड़े थे, इनकी नई आइडियोलॉजी लेकर के इनको आ गई थी, इनकी नई विचारधारा थी कि जहाँ पहुँच रहे हैं, जो चीज़ रह रहे हैं, तो भाई हम अकेले ले जाएंगे, तो अकेले कैसे कोई जाने देगा, आपस में समझौता था नहीं, वहाँ का भी विरोध था, और शुरू से ही ये जो है वो
आदिम जनजाति टाइप का मतलब प्रजाति है अंग्रेजों की, ये आक्रामक है, ये लड़ाकू टाइप है, जहाँ रहती वहीं जीना हराम कर देती है लोगों का, है ना। और धरती पर इनसे ज़्यादा दुरुपयोग जो है किसी चीज़ का किसी ने नहीं किया है, कभी किसी ने नहीं किया है। अब ये लोग थे, उसमें बवाल था, चल रहा था, उसमें अंग्रेज जीत गए, उसमें अंग्रेज जीत गए। अब अंग्रेज चले आए बंगाल, बंगाल तरफ बनाने लगे, बनाने लगे तो फिर बवाल हो गया, बवाल हो गया। तो अब देखो, पहले मुगल से अलग होकर के ये पहले बंगाल अलग हुआ है, उड़ीसा अलग हुआ है, बिहार अलग हुआ है, अवध अलग हुआ है, ये अलग हुआ है, ये कितने मजबूत रहे होंगे, अभी तो बन ही रहे थे। ऊपर से मराठा यहाँ तक मार करके लौट लेते हैं। हाँ, मराठा मूल में शासक कभी नहीं रहे, उनका मूल ही लुटेरों का था, मूल ही है। उन्होंने पेंशनर बना दिया था, पेंशनर बना के, लेकिन वो कभी बैठे नहीं वहाँ पे कि लाओ मैं राज राजा महाराजा वाला रोल में अदा कर दूँ, मैं इस मुल्क को जोड़ लूँ। उनको मज़ा आता था लूटने में, जैसे वो पैदा ही आदमी जिससे बनता है फितरत कैसे छोड़ देगा, वही स्वभाव था, वही स्वभाव था। एक लूट व्यवस्था शुरू हुई थी, एक लूट व्यवस्था, जो जहाँ पाता था वहीं लूट लेता था। ये पूरे भारत की कंडीशन थी, ये पूरे भारत की कंडीशन थी। क्यों? क्योंकि जो सत्ता थी वो टूट चुकी थी और डर तो खाली उसी का था, और सत्ता इतनी मजबूत थी उसने कभी किसी को उभरने नहीं दिया था, है ना। और सब उसी के अंडर थे तो सब बराबर में थे, तो उसके उखड़ने से सब मजबूत होने लगे, सब मजबूत होने लगे। बाद में तो ये कंडीशन आई है होलकर ना पूना तक, आगे तक सब लूट लेते हैं, घास का तिनका तक नहीं छोड़ा इन्होंने। घर वर उगाड़ लेते थे, उसकी लकड़ी निकाल लेते थे, आदमियों को मार देते थे और आग जला के तापते थे उससे, इनकी कंडीशन है। सिंधिया ने दिल्ली तक के घर घर में से गले उतार लिए हैं, ये जो सिंधिया हैं चुनाव लड़ते हैं, इन्हीं के बाप दादा हैं, कोई इतिहास यही है, यहाँ यहाँ तक आकर के इन्होंने निपटा दिया सबको, मार मुड़ किनारे कर दिए। ये इधर ये इधर चल रहे थे मराठे, और इधर दो उधर नादिर शाह और अफगान से अब्दाली आ करके अलग, वो उत्तर उत्तर पश्चिम में पीट पाट किनारे करता था, वो दिल्ली लूट लेता था, इधर चल रहा था राउंड बाय राउंड जलेबी बनाए। अब आप सिचुएशन सोचो क्या हालात हैं इस मुल्क की। उधर अंग्रेजों को मौका मिला, वो बंगाल के मुद्दे को लेकर के भिड़ गए, एजन को निपटा दिए। हाँ, एजन को निपटा दिए, कहाँ निपटाए थे, बक्सर में नहीं, कहाँ निपटाए थे, प्लासी में, चलो सही, प्लासी में निपटा दिए। निपटा दिए तो उसके बाद कहाँ निपटाए, बक्सर में निपटाए। इधर ये निपटा रहे हैं, लेकिन इधर निपटाते निपटाते अंग्रेज अभी डरते थे, किससे, अपने बाप पिताजी से, लूटे लूट में जो उनके पिताजी हैं, अपने पिताजी लोगों से डरते लुटेरे, उनको लगता था ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ये आते, लेकिन तब तक इनसे ही बड़ा लुटेरा था, उसने प्लासी में नहीं, पानीपत में, पानीपत का तीसरा वैसे कहते हैं, इनको रगड़ दिया, और फिर मराठों को राउंड बाय राउंड रौंदा उसने, और मराठे उसको हार को समझ नहीं पाए, बैक हो रहे हैं। इधर होलकर और सिंधिया अपनी औकात दिखा रहे हैं, तब तक इधर बेलेजली था, ये लेटर फेज की बात हो गई, उसको मौका मिल गया। अब अंग्रेज मजबूत हो चुके थे, क्यों, क्योंकि आपस में लड़के निपट चुके थे, उसने जो है इनको निपटा दिया। सहायक संधियों का दौर आ गया, सहायक संधियों का दौर आ गया, यही सब कहानी है उस पूरे दौर की। इसी में पिंडारी हैं, इसी में जाट हैं। हाँ, अंग्रेजों ने, बेलेजली ने जब सहायक संधियां की और जब उसने होलकर को, सिंधिया को, बाकी सबको इधर रगड़ा मध्य भारत में, तो उसके छोड़ के लौट गए वो। उन्होंने वहां पे कोई नियम सही से बनाया नहीं, उन्होंने सही तरीके से वहां कोई चीज़ों को डेवलप किया नहीं। और होता क्या था,
जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलप किए, एक शासन पद्धति उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की, तो एक जिले में 13 दरोगा रख देते थे। वो दरोगा के ऊपर मजिस्ट्रेट हुआ करता था, मजिस्ट्रेट था तब। अच्छा, अगर मजिस्ट्रेट खड़े थे उनके, अगर कुछ गड़बड़ हुआ, ज़्यादा केस आ गया दरोगा के थाने तो भी दरोगा बर्खास्त, और कम केस आ गया तो भी दरोगा बर्खास्त। फिर दरोगा को कहे थे तुम दो घोड़ा रखोगे अपने तनख्वाह पे, मजिस्ट्रेट को मिलते थे 2500, दरोगा को शायद 30-40 रुपया मिलता था। अब एक तो रुपया कम, ऊपर से दो घोड़ा कैसे रखें, दरोगा दो घोड़ा कैसे रखे। तो दरोगा ने तय किया जो असली लुटेरे हैं उनको पकड़ना नहीं है, क्योंकि वो पैसा देंगे तो तभी घोड़ा रखूंगा मैं, तो जो बाकी कमजोर वाले हैं उनको पकड़ के ले जाके मस्जिद वहां ले जाके सामने कर देना है। तो जैसे किसी को दरोगा पकड़ता था वो पैसा देने लगता था। फिर 100 मील 50 मील दूर होती थी कोर्ट। हाँ, जिस आदमी को गांव से पकड़ते थे उसके पूरे समुदाय को, आधी जात को, सबको ले जाते थे गवाही के लिए। तो दरोगा को जो है पूरी जात वाले मिलके पैसा देते थे, मैं नहीं हूं इसको छोड़ दो, उसकी जात वाले को ले जाओ, ये केस था। अब इसमें क्या सिस्टम डेवलप होगा, अब इसमें क्या चलेगा भाई, लूट पे लूट। हाँ, डकैत लूटे जो पुलिस बनाई, पुलिस लूटे, है ना, व्यापारी अलग लूटे, पिंडारी जाट जैसे दुनिया के थे अलग लूटे। और इस मध्य भारत वाली इस बेल्ट में पूरे में गिरोह चलने लगे, उनको ठगों का गिरोह कहते थे। वो बाकायदा आते थे, वो बाकायदा गिरोह में आते थे, आराम से पढ़े लिखे होते थे, वो धर्मों के आधार पर नहीं थे, वो काली की पूजा किया करते थे और बलि दे देते थे और पैसा रख लेते थे, ये स्थितियां थीं। अब पैसा था नहीं तो जो बचे खुचे सामान जागीर कहीं बचे थे वो किसानों को और लूट लेते थे। मराठों ने तो लूट की सीमा यहां पार की कि वो पूरे पूरे मध्य आगे जो, तो चौथ वसूला उन्होंने, चौथ का मतलब 25%। जैसे मुगल काल में किसानों से बहुत थोड़ा सा लेते थे, 2%, 4%, 5%, ये 25 लेने लगे, जितना पैदा किए उसका 25 मेरा और बाकी किसान तो खत्म हो चुका था, किसान साफ था, बारिश हो नहीं रही थी, दिक्कतें ज़्यादा थी, अकाल लगातार पड़े थे उधर एक दो, तो भारत में किसान तो मजदूर बन चुका था, वही यूरोप में भी हुआ था। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे दौरान शहर बचे रहे, शहर बचे रहे, उनका उत्पादन और बाकी चीजें कमजोर हुई लेकिन उतने कमजोर ये नहीं हुए थे। तो अब देसाई कहते हैं कि परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वैसी परिस्थितियां बन रही थीं जैसे यूरोप में बन रही थीं कि नहीं। और उसके पहले तेल, हल्दी, चावल तो आ ही जा रहा था, सोना, हाथी दांत, नील, चाय, रेशम, जूट, कपास, ये तो पहले भी आता जाता था। इसके लिए हम पे शासन करके हमको विकसित करने की क्या जरूरत थी, जैसे आ ही जा रहे थे हम भी जाते तो मशीन देखते कि ना देखते। और प्रारंभिक मशीनें किसकी बनी, मंगल से आए हुए मेटल से, चंद्रमा से जो लाया था, तो जिससे बनी वो तो भारत में भी था, जैसे भाप भारत में नहीं थी क्या, हमारे यहाँ आग नहीं जलती थी। ये मुद्दा तो है ना, ये तो जब आलोचना लिखिएगा तो उसको, कि ऐसा थोड़े ना था कि मुगलों ने आर्थिक एकीकरण नहीं किया था। कंडीशन ये थी, अब देखो जैसे जब ये छोटे छोटे, अच्छा राजस्थान में राजपूतों का एरिया था ये, इसमें छोटे छोटे खुद थे,
ये आपस में ही जूतम पैजाम चलाते थे, इसमें कोई बाहर की जरूरत ही नहीं थी, इनमें इनमें इतनी क्षमता ही नहीं थी कि कुछ इनसे कुछ हो। ये आराम से रौंदे गए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया ये जीते कब पूरे इतिहास में। नहीं, आप लोगों को समझ में हो तो हो, मैं तो मेरे इतिहास की जानकारी बड़ी सीमित है, मेरी जानकारी बड़ी सीमित है, किसी का हो तो जी। नहीं, अभी आते हैं भाई सा गड़ी खंबा, गड़ी खंबा, खंबा गड़ी, गड़ी खंबा, ऐसे बोलता भाई सा नमस्कार को बोलते हैं। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। पहले मैं सोचता था खंबा गाड़ने को बोलते हैं, बाद में पता लगा नहीं, ये कुछ बात और थी, ये बड़ी बातें थी। जब वीडियो डालना तो ये वाला हटा देना, नहीं तो मेरे खिलाफ करनी सेना होना वाले हो सकता, कहीं फतवा तो नहीं जारी करते, सब कुछ जारी करने का हक अलग अलग लोगों का है, हम भी जारी करेंगे मतवा, नया धर्म बनाया जाएगा। ये बहुत सारी राज्य हो गए थे, सबका बॉर्डर था, बॉर्डर होने पे क्या होता था, जब एक एक जगह का व्यापारी दूसरी जगह जाता था व्यापार करने के लिए, तो उस पर इतना टैक्स लगा के वसूल लेते थे कि माल उसका बहुत महंगा हो जाता था, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी उस दौर की, बहुत बड़ी समस्या ये थी। छोटे 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 यावत, बंगाल, उड़ीसा और बाकी सबके पैदा होने के बाद मराठा, वराठा, होलकर, सिंधिया से लेके राजस्थान के राज्यों से लेके, ये केरल से लेके कर्नाटक है ना, उधर है ही है, मैसूर है ही है, हैदराबाद है ही है, हाँ, हैदर अली ने मौका पाया उधर मैसूर, उनके टीपू सुल्तान ने अलग कहानी बना दी। ये बड़े पुराने लोग नहीं थे, ये कुछ समय से ही थे, लेकिन वैसे तो मैंने जो पढ़ा था ये पढ़ा पुराने पुराने लोग थे, नहीं तो वो विजयनगर बहमनी थे, मैसूर नहीं था ना, कि था हाँ, क्या बात है भाई साहब, चलो पढ़ना, थोड़ा पढ़ना, समझना, होमवर्क करना है ना। अब ये सब सुनने मजा आता है, अच्छा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, इसमें इतनी क्या टेक्निकलिटी है, इसमें कोई टेक्निकलिटी है। अभी थोड़ा मैप वैप खोल के एक राज्य का मैप दिखा दो, आदमी की फोटो दिखा दो, किसी की बड़ी दाढ़ी, किसी की छोटी दाढ़ी, बड़ी मुँह, छोटी मुँह, हाँ कि नहीं, राज्यों की सीमाएं हैं। तो परिस्थितियां थी भारत में, ऐसा लगता है देख करके, उसको डार्क एज कहा जाता है, लेकिन बिना डार्क एज के रोशनी आई ही नहीं, यूरोप में नहीं आई तो भारत में कैसे आएगी, उनके यहाँ डार्क एज ना होती तो रिनेसा उनके यहाँ ना होता, वक्त हमारा भी रिनेसा का था कि नहीं, वक्त तो अपना भी था, लेकिन अंग्रेज आ गए, खुद जाग गए थे, पूरी दुनिया को जगाने का ठेका ले लिए थे। और जहाँ पहुँचते तो पहले खुद जागते थे तलवार चला के। कि नहीं, अंग्रेज डच से, डच फ्रांसीसी से, फ्रांसीसी एक दूसरे के पेट में चक्कू मार मार के कहे ये क्या है, कहे हम लोग जग रहे हैं, इस जागने के बाद अब हम आएंगे तुमको चक्कू मारेंगे। कि नहीं, मैंने कभी आपको बताया होगा, कभी उसको देखी होगी, बाबर वगैरह उस दौर में जो ये अरब वाले जो थे ना, ये जो यूज करते थे धनुष बाण और तीर, वो मारते थे ना तो ढाल नहीं तो डबल ढाल, उसको भी पार कर जाता था, अंग्रेज वाला एक पे रुक जाता था, वो और खतरनाक लोग थे।